ठीक है गाइस, तो आज के इस पार्टिकुलर वीडियोस में हम लोग जो है गोल्ड रॉक के अंदर बैकड्रॉप डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो साइज मेरे पास जो है आ गया है। साइज जो है इसमें देखिए 11 फीट है इसका विड्थ जो है, 11.8 फीट जो है इसका हाइट है, और 25 फीट जो है इसका विड्थ है। तो इस फाइल को अगर बनाने के लिए अगर आप ये एआई में जाओगे तो ये फाइल बनेगा भी नहीं, क्योंकि ये 25 फीट का फाइल है। अगर मैं नया पैनल यहाँ से ओपन कर लूँ, ठीक है, एक नया यहाँ पे साइज में मेंशन कर दूँ, इंचेज नहीं फीट में, ठीक है, फीट में मेंशन कर देता हूँ। यहाँ से विड्थ है 11.8 और हाइट जो है वो है 25। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँ, सॉरी हो गया, तो यहाँ भी आप एआई में भी बना सकते हैं, लेकिन एआई से ज्यादा बेटर होगा कि हम इसको कोरल में बनाएं, क्योंकि ये बहुत जो है सो फीट में फाइल है। 25 फीट इसका विड्थ है, ठीक है, 25 फीट इसका जो है विड्थ है, और हाइट जो है वो क्या है, 11.8 फीट है। तो 11.8 फीट इसका जो है हाइट है। ठीक है, एक बार हम इसको इंचेज में इसके यूनिट को चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखिए 300 इंचेज जो है इसका विड्थ है और 141.6 इंच इसका जो है हाइट है। मुझे लगा ये एआई में नहीं बन सकता है, बट ऐसा है नहीं, बन जाएगा ये एआई के अंदर भी। बट हम अभी चलेंगे कोल ड्रॉ के अंदर और कोरल में इस फाइल को बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और नाम डाल देंगे हम लोग बैकड्रॉप, क्योंकि हम लोग बैकड्रॉप डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग यूनिट चेंज कर लेंगे, सॉरी ये यूनिट है, यूनिट को हम लोग फीट में डाल देंगे। विड्थ जो था, विड्थ इसका 25 फीट था और हाइट जो था 11.8, मेंशन करके ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने ये आर्ट बोर्ड बन के तैयार होगा। अब हमारे पास जो है ये डिजाइन है, स्क्वायर शेप में है। ठीक है, 8.5 फीट बाय 8.5 बाय 8.5 का ये जो है हमारे पास एक जो है पहले से बना हुआ बैकड्रॉप है। इसी को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है इस साइज के अंदर। हम इस दोनों लाइन को पहले इसको अनग्रुप कर लेंगे। अनग्रुप करने के बाद इस दोनों लाइन को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के वाले इस डबल वाले बैकड्रॉप पे आएंगे और जो है, एक सेकंड, पहले हम इसको ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने के बाद इस रेक्टेंगल को अलग कर देते हैं। एक बैकग्राउंड हम लेंगे हल्का सा ऑफ ग्रे का, जिसपे कि हमारा दोनों डिजाइन जो है दिख जाए। इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, लॉक कर देंगे लेयर को। ठीक है, लेयर को लॉक करने के बाद हम लोग इसको इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट अलाइन, ठीक है, एंड टॉप अलाइन, और इसके साइज को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, ताकि ये जो प्रिंट हो तो ये थोड़ा सा दिखे। साइज इसका कितना है, 2 इंचेस का है। ठीक है, 2.5 इंच कर देते हैं यहाँ पे इसके हाइट और विड्थ को। ठीक है, लेफ्ट टॉप दोनों सेम होना चाहिए, 2.5 बाई 2.5। तो हम एक बार एक काम करते हैं, यहां से इसको अनलिंक कर देते हैं और 2.5 या फिट में है या इंचेज में, 30 इंच बाय 30 इंच का ये एक है, नहीं 30 इंच का मुझे नहीं लेना है यार, कम से कम भाई 6 बाय 6 करना, बहुत छोटा हो रहा है ये। इसका हाइट हम एक बार नाप लेते हैं, हाइट और विड्थ कितना है इन दोनों का, 1 फिट बाय 1 फिट का है इसका, एक जो है सो 1 फिट विड्थ है, 1 फिट हाइट है। ठीक है, तो हम इसको कम से कम 1.5 फीट देंगे, 1.5 ft। ठीक देना है मुझे फिट में 1.5, और एक ये भी लगा देंगे तो हो जाएगा। सेम यहाँ पे हमको वही करना है,
1.5 कर देना टॉप लेफ्ट, सॉरी इसको सेलेक्ट करके इसके साथ हमें मिला देना है। अब मिलाने के लिए यहां पर देखिए मेरे पास एक ऑप्शन हुआ ऑब्जेक्ट टू बेसलाइन, पहले सबको हम अनटिक कर देते हैं, अनटिक कर दिया हमने, फिर से इसको हम क्या करेंगे टिक कर देंगे। अब टिक करने का होगा क्या मैं बताता हूं अभी आपको, जैसे अगर इसको हम यहां से जैसे यहां से शिफ्ट दबा के हटाएंगे ठीक है, और फिर से हम इसके सेंटर में लाएंगे तो यहां पर ये एक लाइन बन के आ जाएगा ठीक है, और ये हमारे इसके साथ जो है मिल जाएगा। एक बार हम इसके हाइट को भी थोड़ा सा मेजर कर लेंगे, इस दोनों का हाइट सेम है या नहीं है, इसका हाइट है 2.76, इसको भी हमें 2.76 पे दोनों के हाइट को सेम रखना पड़ेगा ठीक है। अंदर का जो कंटेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं, बैकड्रॉप की बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहे हैं, ये बैकग्राउंड का तो व्हाइट और जो है सो सेम हो रहेगा ही। तो यहाँ पे एक नया बदलाव आया है जो कि हमें करना क्या है, इसमें से ट्रिजॉर को रिमूव करके हमें बस ओनली इमेजिन वाला पार्ट डालना है ठीक है, तो बाकी हम इसमें डिलीट कर देंगे, ओनली ये वाला पार्ट जो है हमारे पास रहेगा। तो इसका साइज हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं, जो कि अभी 6 इंच पे है ये 8 इंच कर देते हैं इसका ठीक है, और हाइट हो गया 337। थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं इसको, कम से कम 5 इंच कर देते हैं, 5 नहीं 4। दोनों का विड्थ देख ले, विड्थ 9.485 है, विड्थ दोनों का जो है थोड़ा सा कम है, तो विड्थ या तो विड्थ आप सेम कर सकते हैं या तो हाइट आप सेम कर सकते हैं, तो इसका जो है विड्थ ही सेम रहने देते हैं, हाइट जो है सो हाइट को मेजरमेंट नहीं करते हैं ठीक है। अब ये हो गया है, अब इस दोनों को हम कॉपी करेंगे यहां से, अब इस दोनों को कॉपी करने के बाद जो है यहाँ से हम पूरे इस बैकड्रॉप में हमें इसको लगाना है, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, कंट्रोल आर। अब ये दोनों पार्ट हमारा एक्स्ट्रा है तो अभी इसको रहने देते हैं ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्लैक वाला पार्ट है, अब हमें यहाँ पे पहले क्या देना होगा, व्हाइट देना होगा, ठीक है इसको यहां से हम ऊपर नहीं एकदम एग्जैक्ट जो है मिलाना है हमको, इस दोनों के बीच में भी हल्का हल्का गैप है, तो हम पहले क्या करेंगे देखिए, थोड़ा सा इसको और इधर करेंगे, पहले तो सबको अनग्रुप करना पड़ेगा, अनग्रुप करके इसी एक वाले पार्ट को जरा हल्का सा सबको पहले ग्रुप करके एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम इंगेज हो रहा है बट जब बनेगा तो आपको मैं एक बार प्रीव्यू दिखा दूंगा। ये बहुत बड़ी मतलब जो है बैकड्रॉप है और इसको बनाना आप सीख गए, होर्डिंग्स वोर्डिंग्स बनाने में आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एंड टूल का उपयोग कीजिए आप। देखिए एक छोटा सा मिस्टेक जो है आपको, इसको हमने क्या कर रखा था, ग्रुप नहीं कर रखा था ठीक है,
एक छोटा सा मिस्टेक आपको इतना भारी नुकसान दे सकता है। मुझे इसमें कितना टाइम लग रहा है आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सब में हल्का हल्का गैप होना चाहिए आई थिंक, बट इसमें तो नहीं लग रहा मुझे, इसके बीच में है गैप हल्का सा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, देखिए इन दोनों के बीच में है तो हम क्या करेंगे, हाँ थोड़ा सा किसी एक वाले पार्ट को इधर करेंगे हल्का सा, करने के बाद जो है सबको सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट ई प्रेस करेंगे ताकि ये सारा जो है इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब इन दोनों के बीच के गैप को हम चेंज करेंगे, और फिर से जो हम एक बार शिफ्ट ई प्रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बीच में गैप जो है सारा खत्म हो गया क्योंकि इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपस में। देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट भी मतलब बहुत कम माइनर सा है, मतलब स्पेस है ही नहीं। देखिए ये यहाँ पे है और माइनर सा है, इतना चल जाएगा, ठीक है। तो आगे का आ गया क्या, इस दोनों को सेलेक्ट करके यहां से लेफ्ट कर देना है, इसको यहां से टॉप और इसके साथ इसको यहां पे लेफ्ट, ठीक है। सेम इसके साथ भी करना है आपको, बस एक बनने की दिक्कत होती है, एक अगर आपका रॉ बन गया ना उसके बाद फिर प्रॉब्लम नहीं होता है। अब इसी के साथ हम इसको क्या कर लेंगे, अलाइन कर देंगे, व्हाइट को ब्लैक के पास, ब्लैक को व्हाइट के पास, अब ये वाला जो साइड का जो हल्का हल्का आपको यहाँ पे ब्लैंक एरिया दिख रहा है इसको हम लोग मैनेज करेंगे बाद में, अभी नहीं, ठीक है। अब इस रॉ को हमको कॉपी करना है और सीधे उठा करके हमको यहाँ पे क्या करना है, डाल देना है इसके साथ, ठीक है। अब इस बीच वाले को कॉपी करना है और इसके नीचे आपको जो है आगे डाल देना है। अब इसके ऊपर वाले को उठा करके जस्ट इसके नीचे आपको डाल देना है, ठीक है। और फिर इसके ऊपर वाले को उठा के आपको उसके नीचे डाल देना है। ठीक है, तो ये देखिए ये बैकड्रॉप जो है ये 25 फीट का जो अभी देख रहे हो आप, ये नए वाले वर्जन में ही अवेलेबल है, बाकी अगर आप पुराने वाले वर्जन में जाओगे तो ये अवेलेबल नहीं है, जिसमें कि आप जो है 25 फीट का जो है अगर आप CS6 यूज कर रहे होगे इसका एलिस्ट्रेटर का, तो उसमें ये नहीं है कि आप 30 फीट 50 फीट का जो है होर्डिंग्स या फिर बैकड्रॉप जो है आप इसमें AI में बना सको। तो आप नए वाले में जो है उसमें क्या है, ये अपडेट आया है तो नए वाले में आप ठीक है कर सकते हैं। अब ये हमारा हो गया क्लियर, होने के बाद जो है अब हम क्या करेंगे, इसको
मेंशन करेंगे और पी में क्या होगा हमारा सारा जो है ये इक्वली दिखे यहाँ पे दोनों साइड जो है गैप आ गया, मतलब ये पूरे जो हमारा इसको ग्रुप करके हमने क्या किया सेंटर में डाल दिया। सेंटर में डालने के बाद जो है अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे साइड में ब्लैंक पार्ट दिख रहा है आपको, ब्लैंक पार्ट दिखने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ से इसको कॉपी करेंगे या फिर इसको एक बार हम अनग्रुप कर देते हैं। अनग्रुप करके हम किसी एक रेक्टेंगल को निकालेंगे, ठीक है, कॉपी पेस्ट करेंगे उसको हम और यहाँ पे इसको व्हाइट कलर में चेंज कर देंगे। ठीक है, सेम यहीं पे हम ये भी यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे ब्लैक उठा के डाल देंगे ताकि इसका साइड वाला पार्ट जो है ग्रुप करके नीचे खींच देना, आपको इसके साथ टॉप मेंशन कर देना है, फिर इस चारों को आपको ग्रुप कर देना है नीचे लाके इसके साथ जो है आपको मेंशन कर देना। देखिए हमारा काम जो है हो गया। अब यही काम हम इस साइड भी करेंगे ताकि हमारा जो है बैकड्रॉप के हम इसको लेफ्ट अलाइन कर देंगे, तो हमने इसको लॉक कर रखा था, आपको पता होगा जब मैंने शुरू में बनाया था बैकड्रॉप उस टाइम हमने इसको लॉक कर दिया था, तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास करना क्या है, इसको इसके साथ टॉप कर देना है, इस वाले पार्ट को हमें ब्लैक करना है और इस वाले पार्ट को व्हाइट करना है, सेम हमें इसको ब्लैक करना है और इसको व्हाइट करना है। ठीक है, इसके साथ हम इसको क्या करेंगे हॉरिजॉन्टली मर्ज कर देंगे। तो हमारा काम हो गया है ये, इसको उठा करके हम लाएंगे यहाँ पे, यहां से इस वाले इसको हम क्या करेंगे टॉप कर देंगे, हमारा जो है देखिए यहाँ पे हो चुका है। एक बार कंट्रोल एक्स करके इसके बैकड्रॉप को हम यहाँ से हटा देते हैं और कंट्रोल बी कर देते हैं, बी करने के बाद जो है हमारा काम जो है अब ये हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल जी कर देना है, ग्रुप कर देना है आपको, ग्रुप करने का नीचे ले आना है और यहाँ से रेक्टेंगल लेना है आपको फिर से और इसमें क्या करना है इसको क्लिपिंग मास्क कर देना है। ठीक है, आपका काम अब क्या हो गया डन हो गया। ठीक है, कैसे करके आप क्या कर सकते हैं बैकड्रॉप अपने इसके लिए जो है ना, किसी भी अगर कहीं पे इवेंट हो रहा है या फंक्शन हो रहा है जहां पे अगर आपको बैकड्रॉप के लिए रिक्वायरमेंट आता है कि बैकड्रॉप बनाना है तो करना कुछ नहीं है, बस उसमें लोगो लगाना है कंपनी का। जैसे कई बार आपने आईपीएल में देखा होगा कि आईपीएल में जो है सो अगर मैं यहां जाऊं और यहां से मैं सर्च करूं आईपीएल बैकड्रॉप तो आपको दिख जाएगा यहां पे, ये सपोज कीजिए देखिए यहां पे ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है ये बैकड्रॉप आप देख रहे हैं, बैक में जितने भी कंपनीज हैं जो अपना प्रमोशंस कर रहा है उसका लोगो लगा हुआ, ड्रीम इलेवन हो गया, पेटीएम हो गया, आईपीएल खुद अपना कर रहा है, ठीक है, इन सारे चीजों का जो है देखे यहाँ पे, तो ये सारा हो रही है, ये जो है बैकड्रॉप है। ये इवेंट जब भी कहीं पे कोई बड़ा बड़ा इवेंट होता है ना तो वहाँ पे बैकएंड में जो है क्या होता है ये बैकड्रॉप जो है लगा होता है, जैसे वीवो आईपीएल जो 2021 का था वहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है बैकड्रॉप यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि ये कितना बाई कितना का होगा ये तो अंदाजा लगाना पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन इसका पता नहीं चल सकता, इमेज फाइल है ये, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये इमेजेस को अगर मैं उठा कर लाऊं आपके पास, ये देखो आप इसमें जो है सारे कंपनी का लोगो लगा हुआ है, बट यहाँ पे क्या है ये सारे कंपनी का लोगो नहीं है, ये अपल का खुद का अपना इवेंट है तो वो अपना ही प्रमोशंस करेगा, यहाँ पे इसने अपना जो है खुद का जो है बस लोगो लगा रखा है। देखिए इमेजिन जो कि एक एप्पल ऑथराइज्ड रीसेलर है, एप्पल के प्रोडक्ट को सेल करता है, तो उसने अपना खुद का इवेंट क्रिएट किया है, खुद का इवेंट जो है वो कर रहा है, तो यहाँ पे खुद का उसका जो है यहाँ पे लोगो लगा हुआ। यहीं पे कहीं और जैसे आईपीएल होता है तो आईपीएल में अगर वहाँ पे बैकड्रॉप में लगता तो वहाँ पे जितने भी कंपनी जो है
उनको जो है सो हायर प्रमोशंस करना होता तो वो अपना अपना लोगो जो है उस बैकड्रॉप में, तो यहाँ पे सबका लोगो लगता जो जो कंपनी को जो है मेंशन किया होता उसमें कि यहाँ पे पेटीएम का लगाना है तो पेटीएम का लगाना है, ड्रीम इलेवन का लगाना है तो ड्रीम इलेवन का लगाना है, यार एसबीआई का लगाना है तो एसबीआई का लगाना है, या फिर जिस भी ब्रांड का प्रमोशन चल रहा है उस ब्रांड का लोगो अगर लगाना है तो यहाँ पे लगाना है। तो पहले आपको साइज मेंशन कर लेना है कि कितना बाय कितना का बैकड्रॉप बनेगा, उस बैकड्रॉप के बाद जो है कितना थोड़ा सा एरिया जो है मार्जिन देना है। जैसे साइड में देखिए यहाँ पे ये हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट जो है यहाँ पे मार्जिन के लिए लेफ्ट और राइट में दिया हुआ है, तो सेम यहाँ भी है, लेफ्ट में भी यहाँ पे मार्जिन है और राइट में भी यहाँ पे मार्जिन आपको दिख रहा है। अब बैक से भी जो आप टॉप बॉटम से भी देखेंगे तो लोगो हमारा वाला पार्ट यहीं तक है, नीचे थोड़ा सा हमने मार्जिन दे रखा है, ठीक है, सेम यहाँ पे टॉप में भी है। तो थैंक यू गाइस, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी वीडियोस को। प्लीज वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।